नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देसी डिलाइट में। मेरा नाम है जूही और आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मसाला मैगी। इससे पहले भी आपको मेरे चैनल पे एक और मैगी की वीडियो मिल जाएगी, बट ये वाली थोड़ी सी वेरिएशंस के साथ है। जैसा कि नाम ही है वेज मसाला मैगी, मतलब हम इसमें वेजीज यूज़ करने वाले हैं, साथ ही कुछ स्पाइसेस भी। आप रेसिपी ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। तो आइए हम देखते हैं इन्ग्रीडियंट्स और बनाते हैं मैगी। यहाँ पे मैंने लिया है मैगी के 3 पैकेट्स और उसका टेस्ट मेकर। इसके अलावा वेजीज में मैंने ले रखा है 2 मीडियम साइज़ का प्याज, ऐसे लंबे आकार में कटा हुआ, 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च, ज़्यादा बारीक काटने का ज़रूरत नहीं है। 1/3 कप फ्रेश हरे मटर लेंगे और 1/3 कप बारीक कटा हरा धनिया लेंगे, साथ ही 2 बारीक कटे हरी मिर्च। एक बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ। यहाँ पे पाउडर्ड मसालों में मैंने लिया हुआ है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। 1/2 छोटा चम्मच हम यूज़ करेंगे गरम मसाला का पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच मैंने यूज़ किया है मैगी मसाला है मैजिक, ये इस तरीके के सैशे में आता है, 5 रुपीज़ का होता है और इसका टेस्ट मैगी मसाला से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। कुकिंग ऑयल हमें चाहिए होगा 1 से 2 बड़े चम्मच और आखिर में स्वाद के अनुसार नमक ले लेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई लिया है, हम सबसे पहले मैगी को बॉईल करेंगे। तो कढ़ाई में हम मेजरिंग कप से 3 कप पानी डालेंगे। इसके अंदर हम मैगी का टेस्ट मेकर ऐड कर देंगे। तो ये 3 सैशे मैंने डाल दिया। अब हम पानी में उबाल आने देंगे, मसालों को मिला दें, ऐसे हाई फ्लेम पे ही हम पानी को गर्म होने देंगे, जिसके बाद हम इसके अंदर ये कच्चे नूडल्स ऐड कर देंगे। चलिए इसे मिलाते हुए हमें नूडल्स को 90% जितना पका लेना है, पूरा नहीं पकाना है। तो इसे ढक के हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाएंगे, हाई फ्लेम पे इसे ऐसे चला लेंगे और इसे आप चेक कर सकते हैं। आप इसे हाथ से तोड़कर देखें तो ये टूट रहा है, मतलब हमारा मैगी तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे अलग रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक दूसरा कढ़ाई लिया है, इसे गर्म करके हम इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम 1/2 मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे तेल में। 1/2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेने के बाद हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। प्याज और मटर को और 1/2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। हाई फ्लेम पे मटर को भी भून लेने के बाद हम इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल देंगे, साथ ही हरी मिर्चों को भी डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम फिर से 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही ऐसे भून लेंगे। तो शिमला मिर्च 1 मिनट के लिए भुन जाने के बाद हम इसके अंदर टमाटर और साथ ही नमक डाल देंगे, इन्हें मिला दें। तो इस टाइम पे हम सारे पाउडर्ड मसाले ऐड करने वाले हैं। तो पाउडर्ड मसाले ऐड करने से पहले हम फ्लेम को कर देंगे लो पे और डाल देंगे गर्म मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और ज़ीरा पाउडर। मैगी का मसाला हम अभी नहीं डालेंगे, ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे। पाउडर्ड मसालों को ऐसे मिला देंगे। चलिए इन्हें हम ढक के तकरीबन 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद हम सब्जियों को ऐसे चेक कर सकते हैं। तो सब्जी हमारी पक चुकी है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है और मसाला भी हमारा वेजीज के संग अच्छे से भुन गया है। इसे ऐसे मिक्स कर लें एक बार। तो इस टाइम पे हम मैगी का मसाला भी ऐड कर देंगे।
ये ऑलरेडी भुना हुआ होता है तो इसे हमें भुनने का ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम पे हम हमारा बॉइल्ड नूडल्स ऐड करेंगे, मैगी नूडल्स। ऐड करने के बाद इसे भी हम सारी वेजीज और मसालों के साथ अच्छे से मिला देंगे। मिक्सिंग के लिए आप फोक का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए लास्ट में हम डालेंगे हरे धनिए की पत्तियाँ और इसे भी मिला लेंगे। तो हमारा वेज मसाला मैगी पूरी तरीके से तैयार है। गैस की फ्लेम को अब हम कर देंगे ऑफ। और इसे हम कर देंगे गर्मा गर्म सर्व। इसे आप गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।